नीता जुड़ गई हैं। नीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सुजाता, प्रज्ञा जी, बहुत स्वागत आपका। हिमांशु जी जुड़ गए हैं। आप सभी मित्रों का स्वागत और बहुत बहुत आभार मुझसे जुड़ने के लिए। और साथ ही मैं जन सरोकार मंच का भी आभार प्रकट करती हूँ मुझे ये मौका देने के लिए, आपसे रूबरू होने का और आपके सामने, आपके साथ अपनी कुछ कविताएं साझा करने का। तो आशा है आपको ये कविताएं पसंद आएंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। और आज ये जो मौका मुझे मिला है, इसमें कई मित्र जो मेरे पहले से, जो मेरे स्कूल कॉलेज के साथ के समय के जो मित्र हैं, और वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि जिस समय हम छोटे थे, हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो कविता के नाम पर यही जो मित्र थे वो बोर हो जाते थे, भाग जाते थे। देखिए, लाजमी भी है क्योंकि कविता तो एक विधा है, एक कला है जो समझना इतना आसान नहीं होता। और जैसे जैसे लेकिन हम बड़े हुए, विचारों में परिपक्वता आई है, तो आज यही मित्र हैं जो सबसे ज़्यादा मेरा हौसला अफजाई करते हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, सबसे बड़े क्रिटिक मेरे वही हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता तो पैदा होती है। जब आपके मन के विचारों को, आपके कोई चीज़ आपके मन के विचारों को उद्वेलित करती है, तो एक कविता का जन्म होता है। तो मेरे हिसाब से कविता जो है वो मन का प्रसव है। आपके अंदर जो विचार करवट लेते हैं, उसका जन्म होना ही कविता है। इसके लिए मैंने एक कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी हैं कि मेरी नज़र में कविता क्या है। ये मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में लिखा था कि कविता क्या है मेरी नज़र से। तो कविता मेरी नज़र में एक विचारों का पिंड, भावनाओं का पोषण, संवेदनाओं का उभार, अभिव्यक्ति की पीड़ा, मन का प्रसव, एक अलौकिक सृजन, ये है कविता। विचारों का पिंड, भावनाओं का पोषण, संवेदनाओं का उभार, अभिव्यक्ति की पीड़ा, मन का प्रसव, एक अलौकिक सृजन, ये है कविता मेरी नज़र में। कविता लिखने की जो शुरुआत हुई थी मेरी, वो हुई थी जब मैं 8वीं कक्षा में थी और एग्जाम्स चल रहे थे मेरे, और मुंह में बहुत छाले हो गए थे, इतने ज़बरदस्त छाले हो गए थे कि मैं बोल नहीं पाती थी, खाना खाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, सब चीज़ इशारों में समझाती थी मैं। तो उस समय मैंने एक कागज़ में ऐसे ही अपने परीक्षा की तैयारी करते करते कुछ चार पंक्तियाँ लिखी, जो इस तरह से थी, बहुत धुंधली सी याद है मुझे उन पंक्तियों की, कहीं उन्हें लिखा भी नहीं अच्छे से बाद में, उसका कोई संकलन भी नहीं किया गया। मुँह में मेरे हो गए छाले, चुभे वो ऐसे जैसे भाले, समझ रही हूँ आज मैं पीड़ा उस गूंगे की, मुख से कुछ भी बोल न पाए, इशारों में सब कुछ समझाए, मुँह में मेरे हो गए छाले। कुछ इस तरह की पंक्तियाँ थी और वो मैंने कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो लिखी। उसके बाद उस कागज़ को मैंने फेंक दिया।
और उस समय हो रही थी बारिश, तो वो जो कागज़ था वो भीग गया और उसके कारण थोड़ी सी जो हम इंक पेन से लिखते थे थोड़ी स्याही उसकी पिघल गई, धुंधली हो गई, बह गई। और दूसरे दिन वो कागज़ जो है वो मेरे पापा के हाथ लग गया, मेरे पिताजी के हाथ लग गया, और उनको लगा कि बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं कि कुछ कागज़ जो है कोई इम्पोर्टेंट नोट्स ना हो, कुछ ना हो, तो मैंने उस कागज़ को उठ के उसको उठा के पढ़ लिया। और फिर मुझे बुलाया गया और मैं डर गई, मुझे लगा कि अब तो क्लास लगेगी मेरी, ये इम्तिहान के बीच में ये सब क्या लिखा जा रहा है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि ये किसने लिखा है, तो मैंने डरते डरते कहा मैंने, तो उन्होंने कहा बहुत खूब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लिखते क्यों नहीं। तो असल में कविता लिखने का जो प्रोत्साहन दिया है वो मुझे मेरे पिताजी ने ही दिया है। पूर्णिमा, माफी चाहती हूँ। तो इस तरह से कविता लिखने की शुरुआत हुई। फिर कॉलेज में आते आते, मतलब बीच में कुछ नहीं लिखा और कॉलेज में लिखा, बाद में भी लिखा, बहुत सी कविताएं इस तरह से लिखी हैं। और मैं पुनः एक बार जन सरोकार मंच का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया है इस काव्य पाठ का मुझे, और मैं अपनी कविताएं कुछ और आपके साथ साझा करूँ। उससे पहले मैं आपको अपना एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहती हूँ। आप नाम तो आपको पता ही है, मेरा नाम गरिमा जोशी पंत है। हम लोग उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र से हैं, लेकिन मैंने राजस्थान का नमक खाया है, राजस्थान में जन्मी पली बड़ी हूँ जयपुर में, और वहीं अपना सब पढ़ाई वढ़ाई मैंने वहीं से की है। उसके बाद विवाह के बाद मैं बहुत सालों से इंदौर में रह रही हूँ, मध्य प्रदेश में रह रही हूँ। थोड़ा बहुत नाता ससुराल की वजह से मेरा गुजरात से भी है, तो यही छोटी सी संक्षिप्त सी मेरा एक परिचय है। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुमाऊँ क्षेत्र से हैं हम मैं हूँ, वहाँ ज़्यादा रही नहीं हूँ, कभी गई नहीं हूँ उतना, तो मेरी जो एक कविता है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ अभी, उसका थोड़ा सा कनेक्शन बस उससे है कि कैसे मैं वहाँ नहीं गई। हालांकि ये जो कविता है ये इस बारे में है कि कैसे हमारी कई आशाएं होती हैं और हम उन्हें कभी कभी वो समय रहते पूरा नहीं कर सकते, हमारी इच्छाएं कई बार वो पूरी नहीं होती, हमें अवसर नहीं मिले होते उसके लिए, या बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हम कभी कभी होते हैं कि बाहर निकल नहीं पाते उन्हें पूरा करने के लिए। और जब हम बड़े होते हैं, जब हमको लगता है कि अब हम इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे कोई कोर्स करना है, कोई विशेष प्रकार के कपड़े पहनने हैं, तो हमें लगता है कि हमारी उम्र हो गई, क्योंकि लोग इस चीज़ का उल्हाना देते हैं, घूरी घूरी लाल लगाम जैसे उल्हाने देकर हमारी बोलती बंद कर दी जाती है कभी कभी शायद। तो ये जो मैंने कविता लिखी है इसमें बस थोड़ा सा भाग इस तरह का है कि मैं कैसे पहाड़ में क्या होता है, कुमाऊँ में उत्तराखंड में हरी भरी जगह है, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, वहीं पे रेगिस्तान, राजस्थान जो है रेगिस्तानी इलाका है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, नदियाँ नहीं होती, पानी की बहुत कमी है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ सुना रही हूँ आपको। मैंने कब नदियों में पैर डुबोए हैं, मैंने कब नदियों में पैर डुबोए हैं, मैं तो पहाड़ से लुढ़क न जाने कब रेत में आ फंसी। मैंने कब नदियों में पैर डुबोए हैं, मैं तो पहाड़ से लुढ़क कर न जाने कब रेत में आ फंसी। मिराजों के पीछे भागी हूँ ना, मैंने कभी बर्फ के पुतले नहीं बनाए,
मिराजों के पीछे भागी हूँ, मैंने कभी बर्फ के पुतले नहीं बनाए, फिसलती रेत से कभी न बनने वाले महल बनाए, फिसलती रेत से कभी न बनने वाले महल बनाए हैं, मेरी चुनर कभी किसी फूलों की क्यारी में नहीं जाऊंगी, मेरी चुनर कभी किसी फूलों की क्यारी में नहीं जाऊंगी, वो तो अक्सर कटीली किसी झाड़ी में फंस के चिर गई है, मेरी चुनर कभी किसी फूलों की क्यारी में नहीं जा उड़ी, वो तो अक्सर कटीली किसी झाड़ी में फंस के चिर गई है। पद्मजा जी लिखती हैं प्यार, आपको भी बहुत बहुत प्यार पद्मजा जी। मैंने कभी सागर से सीपियां भी नहीं बटोरी, मैंने कभी सागर से सीपियां भी नहीं बटोरी, कभी पैरों तले लहरों को आते जाते महसूस नहीं किया, रेत की वात्सल्य भरी गोद में धंसी रहती थी, रेत की वात्सल्य भरी गोद में धंसी रहती थी, हाथ पहाड़ों को छू नहीं पाते थे, रेत की वात्सल्य भरी गोद में धंसी रहती थी, हाथ पहाड़ों को छू नहीं पाते थे, कद छोटा था ना, पैर सागर का तल नहीं छूते थे, हाथ पहाड़ों को छू नहीं पाते थे, कद छोटा था ना, पैर सागर का तल नहीं छूते थे, अब कद बढ़ गया है, अब कद बढ़ गया है, देखो अब उम्र का उल्हाना मत देना, अब कद बढ़ गया है, देखो अब उम्र का उल्हाना मत देना। तो ये कविता है, इस कविता का शीर्षक था आशाएं, अवसर और उल्हाने। आशा आपको पसंद आई होगी। एक और कविता है जो आज की जिस तरह की आपाधापी वाली जिंदगी है, नीता जोशी जी लिखती हैं बहुत कूल, सुषमा जी का कहना है बहुत बढ़िया, थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू नीता। ऋतुजा लिख रही हैं सुपर, थैंक यू ऋतुजा। तो मैं बात कर रही थी कि आज की जो का जो जीवन है, जो आपाधापी वाली जिंदगी है, बहुत संघर्ष है, बहुत भटकाव है लोगों में, सरलता नहीं रही, हम कई चीज़ें जो हैं वो बहुत फेक लगती हैं, तो उसमें अब मैं एक कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, उस पूरे उस सिनेरियो वाली एक कविता कि उस ऐसी आपाधापी वाली जिंदगी से मैंने कुछ जोड़ के देखा है, तो आप इसे सुनिएगा। अब भूत नहीं होते, एक कविता का शीर्षक है अब भूत नहीं होते, अब भूत नहीं होते, भूतकाल हो गया है भूतों का होना, अब भूत नहीं होते, भूतकाल हो गया है भूतों का होना, आत्माएं भटकती थी तब स्थिरता थी जब जीवन में, आत्माएं भटकती थी तब स्थिरता थी जब जीवन में, वे सरलता के ठहरे हुए जल से तृप्त होने भटकती थी, आत्माएं भटकती थी तब स्थिरता थी जब जीवन में, वे सरलता के ठहरे हुए जल से तृप्त होने भटकती थी, अब नहीं भटकती आत्माएं, अब नहीं भटकती आत्माएं, भटकाव का आसव सशरीर पी आई है वे पहले से ही, अब नहीं भटकती आत्माएं, भटकाव का आसव सशरीर ही पी आई है वे पहले ही, प्रपंचों से दूर बेसुध हो पड़ी रहती हैं दुबक के इधर उधर यहाँ वहाँ, प्रपंचों से दूर बेसुध हो पड़ी रहती हैं दुबक के इधर उधर यहाँ वहाँ, इसलिए तुम डरना मत, इसलिए तुम डरना मत क्योंकि अब नहीं भटकती आत्माएं, इसलिए तुम डरना मत क्योंकि अब नहीं भटकती आत्माएं, अब भूत नहीं होते,
भूतकाल हो गया है भूतों का। ये कविता है, कविता की भाषा आपको पसंद आई होगी। और सुषमा जी का कहना है मकड़ी वाली सुनाना। सॉरी सुषमा जी, वो किसी और डायरी में है, तो फिर कभी मकड़ी वाली कविता आपको ज़रूर सुनाएंगे। आज जो मैं आपको कविता सुना रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है बदलाव। जिंदगी में, जीवन में जो बदलाव आते जा रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, कई बार वो बदलाव अच्छे नहीं लगते हमें, हमें थोड़ा डर लगने लगता है, मन रुआंसा हो जाता है जब हम बदलाव होते हुए देखते हैं। तो ये कविता है बदलाव, उसी के बारे में है। वह गुलमोहर का पेड़ नहीं था जब अब की बार कई सालों बाद मेरा वहां जाना। वो गुलमोहर का पेड़ नहीं था जब अब की बार कई सालों बाद मेरा वहां जाना हुआ। अच्छा ही हुआ और शहर बदल गया। वह गुलमोहर का पेड़ नहीं था जब अब की बार कई सालों बाद मेरा वहां जाना हुआ। अच्छा ही हुआ वह शहर बदल गया। एक बड़ी सी इमारत की नाली से बहता झाग था, एक बड़ी सी इमारत की नाली से बहता झाग था जिसमें जिससे मुझे था बचना। एक बड़ी सी इमारत की नाली से बहता झाग था जिससे मुझे था बचना। वो ओस की झरती बूंदे न थी, वो ओस की झरती बूंदे न थी जो तेरे मेरे मिलन को और भी सिक्त करती थी। वो ओस की झरती बूंदे न थी जो तेरे मेरे मिलन को और भी सिक्त करती थी। वो मिलन जिसे मैंने प्रेम समझा, वो मिलन जिसे मैंने प्रेम समझा। अच्छा ही हुआ कि वो शहर बदल गया। वो लंबी लंबी पगडंडियों पर जहां हम हाथ पकड़े लड़ते, कभी मिलते चलते बिना गाड़ी के दरकार के। वो लंबी लंबी पगडंडियों पर जहां हम हाथ पकड़े लड़ते, कभी मिलते चलते बिना गाड़ी के दरकार के। वहां चमकती सड़कें हैं, चमकती कारें भागती हैं। अच्छा ही हुआ कि वह शहर बदल गया। झुरमुटों झाड़ियों को खाकर उग आए हैं कंक्रीट के घने जंगल, झुरमुटों झाड़ियों को खाकर उग आए हैं कंक्रीट के घने जंगल। हवा पानी किरण कुछ आ नहीं सकती कंक्रीट के घने जंगलों, झुरमुटों झाड़ियों को खाकर उगाए हैं कंक्रीट के घने जंगल। हवा पानी किरण कुछ आ नहीं सकती इससे पहले कि मेरे हृदय में सुप्त प्रेम का अंकुर फूट पड़ता, इससे पहले कि मेरे हृदय में सुप्त प्रेम का अंकुर फूट पड़ता। अच्छा ही हुआ कि वह शहर बदल गया। तेरे मेरे प्रेम के साक्षी बच्चे बड़े हो गए, युवा भुलक्कड़ बुजुर्ग और बूढ़े बेजुबा। तेरे मेरे प्रेम के साक्षी बच्चे बड़े हो गए, युवा भुलक्कड़ बुजुर्ग और बूढ़े बेजुबा। हमारे पगों के निशान दफन हो गए हैं मोटी परतों के नीचे, हमारे पगों के निशान दफन हो गए हैं मोटी परतों के नीचे। नहीं तो यादें आंसू बन आंखों को देती सुझा। अच्छा ही हुआ कि वह शहर बदल गया। तुम भी तो बदल गए थे, तुम भी तो बदल गए थे, वादों से मुकर गए थे।
तुम भी तो बदल गए थे, वादों से मुकर गए थे, बदलाव प्रकृति का नियम है, तो कब तक रोओगे, छोटी सी बात है। बदलाव प्रकृति का नियम है, कब तक रोओगे, छोटी सी बात है। समझ में आ गया इसके पीछे का दर्शन बहुत बड़ा। अच्छा ही हुआ कि वह शहर बदल गया। तो ये कविता थी बदलाव। एक और कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे मैंने कहा कि कविता जन्म लेती है, कविता आप अपने आप लिख नहीं सकते, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके विचारों को उद्वेलित करती हैं और कविता का जन्म होता है। तो ऐसी एक कविता है अनुकंपा नियुक्ति, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है इस कविता के पीछे, कि कुछ वर्ष पूर्व यानी 2013 में मेरी सासू माँ के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और फिर काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स एक के बाद एक होते रहे। एक महिला हमारे घर काम करने उस समय आई, उनको नहलाने के लिए, उनकी सेवा के लिए, और वो हमारे घर में हमने उन्हें रखा, नियुक्ति दी, और अभी भी वो हमारे घर में काम करती हैं। अभी लॉकडाउन और कोरोना के कारण हमने उन्हें छुट्टी दे रखी है, तो कम से कम 6 साल हो गए हैं हमारे साथ हैं, वो घर की एक सदस्य जैसी हो गई हैं। और 2014 में उन्होंने हमसे बात की इस बारे में, 2013 में उनकी नियुक्ति हमारे घर में हुई थी, और 2014 में जब वो हमसे बहुत हिल मिल गई, जब उनको लगा कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने हमसे कुछ एप्लीकेशन लिखवाई। उनके पति की मृत्यु हुए उस समय 8 साल हो गए थे, और वो अपने बेटों के लिए अपने पति की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति चाहती थी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत से हमसे एप्लीकेशंस लिखवाई। और वो जो मैंने एप्लीकेशंस उनके लिए लिखी और वो जो मेरा अनुभव रहा उस सब से, वो बात मैंने इस कविता में लिखी है जिसका नाम है अनुकंपा नियुक्ति। तो आप सुनिएगा कि कैसा पूरा जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह की बातें एक तथाकथित निम्न जाति की महिला के लिए की जाती हैं, वो भी पढ़े लिखे लोगों द्वारा, वो उस सब का समावेश मैंने अपनी इस कविता में करने का की कोशिश की है। तो ये कविता है अनुकंपा नियुक्ति। जीर्ण कृषकाय सी औरत, छाया नुमा काठी सी औरत। जीर्ण कृषकाय सी औरत, छाया नुमा काठी सी औरत। मजदूरी का नाच नाचती, अभावों का रोना रोती। अनुकंपा नियुक्ति को भटकती, अभागे मृत गरीब की ओर। मजदूरी का नाच नाचती, अभावों का रोना रोती। अनुकंपा नियुक्ति को भटकती, अभागे मृत गरीब की ओर। बढ़ते घटते रक्तचाप से बेखबर, दिल की मरीज औरत। बढ़ते घटते रक्तचाप से बेखबर, दिल की मरीज औरत। बेटों से तिरस्कृत, पर सुहागनों को बेटा होने का आशीष देती। बेटों की ही नियुक्ति को भटकती औरत। बढ़ते घटते रक्तचाप से बेखबर, दिल की मरीज औरत। बेटों से तिरस्कृत, पर सुहागनों को बेटा होने का आशीष देती। बेटों की ही नियुक्ति को भटकती औरत। मून तेल को ललचाती, गाली खाती गाली देती। मून तेल को ललचाती, गाली खाती गाली देती। हक की लड़ाई लड़ती, दफ्तरों में एड़ियां रगड़ती। तथा कथित निम्न जाति की शहरी परिवेश में गंवार सी औरत। गाली खाती गाली देती, हक की लड़ाई लड़ती, दफ्तरों में एड़ियां रगड़ती। तथाकथित निम्न जाति की शहरी परिवेश में
गवार सी औरत। अफसरों को अर्पित थैली से, अफसरों को अर्पित थैली से कर्जों का कंबल ओढ़े, ब्याज की पोटलियां सिलती, बोझिल नियम नामे बचवाती, ठगी गई अनपढ़ सी औरत। अफसरों को अर्पित थैली से कर्जों का कंबल ओढ़े, ब्याज की पोटलियां सिलती, बोझिल नियम नामे बचवाती, ठगी गई अनपढ़ सी औरत। हर जन से दुखड़ा रोती, हर जन से दुखड़ा रोती, देह लोलू भेड़ियों से बेखौफ बेडर, जवान बहुओं की छत बनवाती, बूढ़ी हुई अधेड़ सी औरत। हर जन से दुखड़ा रोती, देह लोलुक भेड़ियों से बेखौफ बेडर, जवान बहुओं की छत बनवाती, बूढ़ी हुई अधेड़ सी औरत। उच्च शिक्षित महिला अफसर से आस लगाती, उच्च शिक्षित महिला अफसर से आस लगाती, 3 महीने में ही करना होता आवेदन, ऐसे नियम का अर्थ समझती, 8 वर्ष पूर्व की शोक संतप्तता कोसती, निम्न गरीब की विधवा औरत। उच्च शिक्षित महिला अफसर से आस लगाती, 3 महीने में ही करना होता आवेदन, ऐसे नियम का अर्थ समझती, 8 वर्ष पूर्व की शोक संतप्तता कोसती, निम्न गरीब की विधवा औरत। पीट करते ही दबी हंसी से बतियाती अफसर को सुनती, पीट करते ही दबी हंसी से बतियाती अफसर को सुनती, कि हफ्ते भर में कर लेती दूसरा, इनको कब से शौक हुआ है। पीट करते ही दबी हंसी से बतियाती अफसर को सुनती, कि हफ्ते भर में कर लेती दूसरा, इनको कब से शौक हुआ है। ऐसी बातें सुनी अनसुनी कर जीती जागती निर्वाण सी औरत। ऐसी बातें सुनी अनसुनी कर जीती जागती निर्वाण सी औरत। तो ये कविता है और सुषमा जी ने लिखा है, बहुत मार्मिक है ये, सचमुच बहुत, ये दृश्य, ये जो पूरी कथा है ये अपने आप में बहुत मार्मिक है। और उसके बाद 6 वर्ष और बीत गए लेकिन अनुकंपा नियुक्ति अभी नहीं मिली उसके बेटों को, तो अभी भी आस लगाए हुए हैं, बहुत से उसने अपनी एप्लीकेशंस भी दे दी, सब कुछ हो गया लेकिन कुछ बात बनी नहीं। एक और कविता है और बहुत सुनी हुई है, बहुत सुनाई है मैंने और बहुत पसंद आती है लोगों को, बहुत ही मार्मिक कविता है, उसी बारे में, उसी से मिलती जुलती कविता है, समझ लीजिए कि उसी की कविता है। भाग रही थी निर्मला नहीं अपने प्रेमी के साथ, नहीं भाग रही थी निर्मला नहीं अपने प्रेमी के साथ, नहीं जब युवा थी तभी नहीं भागी थी, जब युवा थी तभी नहीं भागी थी, वर्जनाओं को मर्यादा कहे जाने वाले आंचल से, वर्जनाओं को मर्यादा कहे जाने वाले आंचल से, प्रेम के गोखरू को बेदर्दी से दूर छिटक दिया था उसने। जब युवा थी तभी नहीं भागी थी, वर्जनाओं को मर्यादा कहे जाने वाले आंचल से, प्रेम के गोखरू को बेदर्दी से दूर छिटक दिया था उसने। अधेड़ मगर वृद्ध दिखती बेहताशा से भाग रही थी निर्मला, अधेड़ मगर वृद्ध दिखती बेहताशा सी भाग रही थी निर्मला, नहीं परेशानियों से नहीं, वे तो पहचान पत्र हैं उसकी जात औकात की, नहीं परेशानियों से नहीं, वे तो पहचान पत्र हैं उसकी जात औकात की,
आग के चारों ओर खिलखिलाती नाचती है उनके साथ हर रात। आग के चारों ओर खिलखिलाती नाचती है उनके साथ हर रात, चिल्लाती सी भाग रही थी मैं। नहीं, किसी नेता के पीछे नहीं, प्रचार के दिन तो गुजर गए कब के। नहीं, किसी नेता के पीछे नहीं, प्रचार के दिन तो गुजर गए कब के। आश्वासन की साड़ियों से पहले ही ढांप चुकी है बहुओं के तन। प्रचार के दिन तो गुजर गए, आश्वासन की साड़ियों से पहले ही ढांप चुकी है बहुओं के तन। सहमी सी भाग रही थी निर्मल। महानगर के मुहाने पर खड़ा है उसका कस्बाई शहर। महानगर के मुहाने पर खड़ा है उसका कस्बाई शहर। उसी में पड़े कचरे के किसी ढेर से उठती भागती गर्मी में आई गौ माता के सींगों से आहत। महानगर के मुहाने पर खड़ा है उसका कस्बाई शहर। उसी में पड़े कचरे के किसी ढेर से उठती भागती गर्मी में आई गौ माता के सींगों से आहत। जख्मी लड़खड़ाती भाग रही थी। नहीं, किसी दवा खाने को नहीं। नहीं, भाग तो रही थी निर्मला, लेकिन किसी दवा खाने को नहीं। आज मालकिन के यहाँ मेहमानों का खाना है। आज मालकिन के यहाँ मेहमानों का खाना है। अपने पोते के लिए जूठे बर्तनों से खुरचन समेटने, अपने पोते के लिए जूठे बर्तनों से खुरचन समेटने भाग रही थी निर्मला। वीना जी लिखती हैं, नमस्कार, बहुत अच्छा लिखा है आपने, थैंक यू वीना जी। निधि मिश्रा जी लिखती हैं, वाह। महेश कुमार जी लिखते हैं, अनुकंपा नियुक्ति बेहद मारक कविता, वो सच में बहुत कुछ मारक था उसमें। हिमांशु जोशी जी लिखते हैं, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। तो ये कुछ कविताएं हैं जो एक और कविता है। जब हम वर्जनाओं की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक हास्य का पुट डालने का प्रयत्न किया है, तो आपको आपके सामने रखते हैं। इस कविता का नाम है वर्जनाएं। दिल तो अभी भी फैल जाना चाहता है सड़क पर जिद में कभी कभी। दिल तो अभी भी फैल जाना चाहता है सड़क पर जिद में कभी कभी। छपाक छपाक के उड़ाना चाहता है कीचड़। छपाक छपाक के उड़ाना चाहता है कीचड़। तंबई हो जाना चाहता है धूली दूसरे थे। दिल तो अभी भी फैल जाना चाहता है सड़क पर जिद में कभी कभी। छपाक छपाक के उड़ाना चाहता है कीचड़। तंबई हो जाना चाहता है धूली धूसरित हो। पर वो बुढ़ऊ दिमाग है ना, पर वो बुढ़ऊ दिमाग है ना, सिर पे सवार हमेशा अनुशासन की बैंक था मैं। पर वो बुढ़ऊ दिमाग है ना, सिर पे सवार हमेशा अनुशासन की बेंत था में। दुपकना पड़ता है दिल को कोने में, जिंदगी की किताब में मुंह छिपाए बेमन से। दुपकना पड़ता है दिल को कोने में, जिंदगी की किताब में मुंह छिपाए। क्या करें, क्या करें, बुजुर्गों का साया भी तो जरूरी है। क्या करें, अब सिर पे बुजुर्गों का साया भी तो जरूरी है। मेरे ख्याल से बहुत समय मैंने आपका ले लिया है, और
शायद समय हो गया है काफी, निधि मिश्रा जी लिखते हैं वाह, नीना शर्मा जी थैंक यू, नमस्कार अच्छा लिखा है थैंक यू सो मच, सुषमा जी लिखते हैं वाह, महेश कुमार जी लिखते हैं बूढ़ो दिमाग बहुत अच्छी व्यंजना, थैंक यू महेश जी। तो ये कुछ कविताएं हैं और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं समापन करती हूँ। मीता जी लिखते हैं बढ़िया दी, थैंक यू मीता। जन सरोकार मंच की इस लाइव श्रृंखला का मेरे हिसाब से समा बहुत सी बातें, बहुत सी और हैं जो सुनाई जा सकती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ के, अपनी कविताएं आपके सामने सुना कर बहुत अच्छा लगता है। तो जाते जाते मैं आपको एक कविता और सुनाना चाहती हूँ, इसके बाद मैं इसका समापन कर दूँगी। इस कविता का शीर्षक है लुप्त गौरैया। अदिति जोशी लिखती हैं बहुत खूब, थैंक यू अदिति, जो गौरैया है, जो पक्षी गौरैया, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और यहाँ मध्य प्रदेश में, इंदौर में खासकर, हम जहाँ अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मैंने गौरैया को देखा ही नहीं है बहुत समय से। और जब दिल्ली में पहले बहुत गौरैया दिखती थी, अब गौरैया नहीं दिखती हैं। तो ये लुप्त गौरैया एक कविता है, और गौरैया और साथ में, जैसे हम छोटे जब गौरैया देखना, उनका तिनका तिनके लाला बनाना देखना बड़ा अच्छा लगता था। बार बार हम चेक करते थे कुछ अंडे दिए या नहीं घोंसले में उसने। आजकल के बच्चों में वो कौतूहल मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स के कारण कम हो गया है, तो उसका भी कुछ थोड़ा सा अंश मैंने इसमें डाला है। ये मेरे ख्याल से इस श्रृंखला की अंतिम कविता होगी और उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगी। वे आती थी प्यार भरे आंगन के किसी रोशनदान में बुनने अपना प्यार। इस कविता का नाम मैंने विलुप्त गौरैया इसलिए नहीं रखा है, गौरैया देखने से हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें गौरैया देखने को नहीं मिलती, लेकिन कई शहरों में अभी भी गौरैया, कई गांव में गौरैया देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैंने इसका नाम अभी रखा है विलुप्त गौरैया, पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है वो प्रजाति भी। वे आती थी प्यार भरे आंगन के किसी रोशनदान में बुनने अपना प्यार। वे आती थी प्यार भरे आंगन के किसी रोशनदान में बुनने अपना प्यार, अब दरकते रिश्तों से ही दरक गई उनकी जात। वे आती थी प्यार भरे आंगन के किसी रोशनदान में बुनने अपना प्यार, अब दरकते रिश्तों से ही दरक गई उनकी जात। नर मादा दोनों आते थे, नर मादा दोनों आते थे मीठी चूहल के तिनके चुनने, नर मादा दोनों आते थे मीठी चूहल के तिनके गुनने। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो कविता लिखी गई है, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं राजकुमार शिवानी, हो सकता है उस समय हमारे साथ जुड़े हों, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और उनकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर उन्होंने वायरल, बहुत सुंदर ये गौरैया की जोड़े की फ़ोटो खींच के कुछ सालों पहले मुझे भेजी थी, और उस चित्र को देखकर मैंने ये कविता लिखी है। नर मादा दोनों आते थे मीठी चूहल के तिनके चुनने, आपा धापी में चकना चूर तिन गए, तिनके उड़ गए जाने कौन हवा में, आपा धापी में चकना चूर तिनके उड़ गए न जाने कौन हवा में। आती थी सीखने सिखाने के गुण, आती थी सीखने सिखाने घर सहेजने के गुण, जाने कौन से गुजरे जमाने की ये बात हो गई। आती थी सीखने सिखाने घर सहेजने के गुण,
कि गुर जाने कौन से गुजरे जमाने की ये बात होगी। बच्चों के नटखट कौतूहल का चुग्गा चुगने आ धमकती थी जब तक, बच्चों के नटखट कौतूहल का चुगना चुग्गा चुगने आ धमकती थी जब तक, जो तकनीक के तारों में उलझ डिब्बा बंद जिज्ञासा बन गई। बच्चों के नटखट कौतूहल का चुग्गा चुगने आ धमकती थी जब तक, जो तकनीक के तारों में उलझ डिब्बा बंद जिज्ञासा बन गई। सिर्फ पर ही नहीं जल गई संतति भी उनकी, सिर्फ पर ही नहीं जल गई संतति भी उनकी। तुम्हारे यहाँ अब भी चहकती है, गांव कस्बों के होगे तुम क्या? तुम्हारे यहाँ अब भी चहकती है, गांव कस्बों के होंगे तुम, हमारे महानगरों में तो कब से विलुप्त हो गई है गौरैया, हमारे महानगरों में तो कब से विलुप्त हो गई है गौरैया। धन्यवाद। प्रेमा जी लिखती हैं रिसाइटेड नाइसली, थैंक यू। पल्लवी जोशी लिखती हैं बहुत बढ़िया। अदिति लिखती हैं बहुत खूब, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू अदिति। मीता लिखती हैं बढ़िया, थैंक यू सो मच मीता। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जन संचार, जन सरोकार मंच के इस लाइव श्रृंखला से, काव्य पाठ एवं संवाद की लाइव श्रृंखला से, और बहुत अच्छा लगा ये शाम मेरे लिए, हमेशा मुझे याद रहेगी। थैंक यू सो मच। महेश कुमार जी लिखते हैं वाह बहुत प्यारी गौरैया। अदिति जोशी, थैंक यू अदिति। और इसी के साथ इसका समापन करते हैं। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का कि आप मुझे सुनने के लिए आए। मैं जानती हूँ इस समय एक तो आज सोमवार है, वीकडे है, और लॉकडाउन के बाद कॉलेज जो ऑफिस खुले हैं, खासकर कामकाजी महिलाएं जो हैं जिनको घर भी संभालना पड़ रहा है और ऑफिस भी, इस समय निकाल कर जो आप आए हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच इस श्रृंखला में, इस लाइव श्रृंखला में जुड़ने के लिए। सुषमा जी लिखती हैं गौरैया महानगरों में नहीं आती है। जी मैंने तो नहीं देखी बहुत समय से, पर जयपुर में आती हैं, मैंने जयपुर में देखी नहीं कोई। तो इसी के साथ समापन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजू अंकल आए हैं और मुझे इनर्शिया से खींचने वाले राजू माथुर हैं, जो मेरी कविता को पढ़ते हैं। बहुत सबसे बड़े क्रिटिक वे ही हैं मेरे, और बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी कविताओं को पढ़ते हैं और बताते हैं कि इसका जो अंत है वो इस तरह से कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगता है आप जब तक मुझे अपने मेरे इनर्शिया से बाहर खींचते रहते हैं। बहुत आपने मेरा आत्मविश्वास तो बढ़ाया ही है, मुझे बहुत एनकरेज किया है, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, धन्यवाद।